हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यदवंशी ब्लॉग चैनल पर। ये आप ही का ब्लॉग चैनल है, आप ही का चैनल है, आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा ये चैनल। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। आज नई रेसिपी लेकर आए हैं आपके पास। अगर झटपट की है, फरमाइश हो गई कि हाँ कुछ चाहिए चटपटा खाने को, तो अगर दाल भीगी हुई है तो बस 10 मिनट में आप चटपटा नाश्ता सबको खिला सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए हम लोगों को ये मूँग की दाल छिलके वाली। ये भीगी हुई अगर रखी है आपके पास तो बस सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा ये नाश्ता बनने में। प्लेट में सबके आगे हाजिर ये नाश्ता। तो बस तैयारी ये मूंग की दाल की ही होनी है, बाकी सब कुछ घर में जितना भी है सब कुछ डाल दीजिए इसमें और झटपट तैयार कर लीजिए मूंग की दाल का नाश्ता। तो चलिए हम लोग भी बनाते हैं झटपट से मूँग की दाल का नाश्ता। तो ये एक कटोरी मूँग की दाल है, झटपट झटपट से बनाएंगे। ये मेरे पास एक आलू था उबला हुआ, सब्जी बनाई थी तो बचा हुआ इतना बच गया था। ये आलू डाल देंगे उबला हुआ। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और ये 4-5 कलियां लहसुन के डाल देंगे, रफली कट किया हुआ है। ये छोटा सा गाजर का टुकड़ा बचा हुआ था वो भी इसमें यूज कर लेते हैं। और ये थोड़ी सी हरी धनिया और ये टमाटर, 1 प्याज, सब कुछ इसमें डालेंगे फटाफट और बनाएंगे झटपट का नाश्ता। और ये कूट लिया था जल्दी जल्दी से 8-10 दाने काली मिर्च है और 1/2 चम्मच जीरा खड़ा हो जीरा, इसको जल्दी जल्दी कूट के ये भी इसी में। बस अब जल्दी से मिक्सी का जार लगाते हैं और करते हैं झटपट पीस के तैयारी इसके नाश्ते की। तब तक कढ़ाई रख देंगे जब तक इसको पीस रहे हैं। तो देखिए पीस के तैयार, बस 2 मिनट लगा और पीस तो वैसे जाते ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ना पीसे तो बस आप इसमें 1/2 गिलास क्या जो पानी की बॉटल होती है ना उसके उस ढक्कन से बस 1 ढक्कन पानी डाल दीजिए। बस अगर ना पीसे तो वैसे पीस जाएगा, टमाटर मटर पड़ा रहता है ना तो फटाक से पीसता है। तो चलिए इसको निकालते हैं अच्छे से इसमें से। अब बस जाएगा इसमें बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी, मसाला इसमें कुछ भी हम नहीं जाएगा। ये झटपट बनने वाला टेस्टी सा नाश्ता है। थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। बस कितना टाइम लगा आप लोग खुद घड़ी देख के बनाइएगा। 10 मिनट में ये बन के तैयार सबकी प्लेट के आगे। आपकी चाय जितनी देर में बनेगी ना उतनी देर में ये क्विकली नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। बस गैस पे कढ़ाई रख दी है फटाफट से, अब इसको डालना है उस कढ़ाई में। तो देखिए मेरी कढ़ाई रखी हुई है, तेल भी गरम हो गया है। बस अब इसको फटाफट से डालते हैं। ये देखिए पहला पड़ गया। मेरी हाथ से बनाने की आदत है, आप लोग चाहें तो स्पून की हेल्प से डाल सकते हैं लेकिन हाथ से ही डालते हैं। मेरी आदत है बचपन से ही हाथ से डालने की, बचपन से क्या जब से कुकिंग शुरू की है तभी से, बचपन से कौन बनाता है, लेकिन फिर भी जब से कुकिंग स्टार्ट की है तो ऐसे ही डालते थे। बहुत टेस्टी बहुत यम्मी ये नाश्ता बनता है। आपने देखा कितना कम सामान और कितने कम समय में ये बनने वाला झटपट सा नाश्ता, और टेस्टी भी बहुत होगा और हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाए ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जियां हैं जो आपके घर में रहती हैं और सामान भी वही सब है जो आपके घर में इस समय भी होगा, वही सामान इसमें पड़ा हुआ है। बस जाइए मेरी रेसिपी देखिए और फटाफट से बनाने में लग जाइए। मौसम बारिश का है ही है, हर जगह बारिश हो रही है। बस फटाफट लग जाइए बनाने में, सबको खुश कर दीजिए बना के खिला के। लेकिन हाँ, दाल भिगो के अगर रखी होगी तो दाल भिगो के रख लीजिए और किसी दिन झटपट सबको सरप्राइज दे दीजिए फटाक से नाश्ता।
तो अभी इसको स्पून की हेल्प से धीरे धीरे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये हल्का सा इसको छुएंगे वो खुद अपने से ही ऊपर आ जाएगा, यदि तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं है। ये देखिए राई का तेल है ना, तो इसलिए इसमें झाग उड़ रही है। आप रिफाइंड में फ्राई करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फेवरेट तेल है, तो इसलिए राई के ही तेल में सारी रेसिपी मेरी रहती है। आप मेरी रेसिपी रिफाइंड में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए फूल गया है। देखिए लाल गोल्डन लाल हो गए, इसको निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया ये भजिया बनती है, ज़रूर आप लोग बना के देखिएगा, झटपट वाला नाश्ता। तो देखिए बन के तैयार है चटपटा सा झटपट सा नाश्ता। और ये मानिए तो आप घड़ी देख के बनाइएगा, 10 मिनट में ही बन के ये तैयार होगा। 10 मिनट का झटपट नाश्ता, बारिश ख़त्म भी नहीं हो पाएगी तब तक बन के प्लेट में आ जाएगा। तो बनाइएगा खाइएगा, फिर फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए बनाने के बाद तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है। हम तो रेसिपी डालते रहेंगे, क्या पता कोई रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो आप कर ही ले, मजबूर हो जाए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।